हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन के सुपरस्टार में। तो हाँ जी, मिस्टर माही, मिसेस एंड मिस्टर माही जो मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। जो ये मूवी है वो 31 मई को रिलीज़ होने वाली है। अभी अभी हमने राजकुमार राव जी को देखा था श्रीकांत मूवी में, जो कि अभी 10 मई को ही रिलीज़ हुई है। वो भी बहुत अच्छी मूवी है, बायोपिक है। उसके ऊपर मैंने एक इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। इससे लास्ट वाली वीडियो ही है। तो ये जो अभी हम इस बात करने से पहले हम एक इसका ट्रेलर देख लेते हैं, इसके ट्रेलर पे रिएक्शन दे देते हैं और रिव्यू दे देते हैं कि ये ट्रेलर कैसा है। और जिन्होंने अभी तक मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के एंड तक बने रहना। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो अभी देख लेते हैं ये सबसे पहले इसका ट्रेलर कैसा है। बहुत पसंद है ना? जी, क्या क्या पढ़ती हैं? जेन एयर, एलेनोर एंड पार्क। आप पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ मैं। पढ़ता क्या पढ़ते हैं आप? मैं अखबार, मैगजीन, ट्विटर, फेसबुक, दुकान के बिल। देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल। संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही। दिल जानी है माही भैया, फ्रंट फुट पे छक्का मारना है। बच्चे, मैं दिल तेरे कदम च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां ना चक्का ढोलना। बताया क्यों नहीं, तुम्हें क्रिकेट अच्छा लगता है? मेरे लिए ना क्रिकेट इज लाइफ, और लाइफ इज क्रिकेट। ओ जादू है रे जादू, तेरी बातों में सुनी सुनी काली काली रातों में। और हम करके थक गए तो थोड़ा काम कर लो, दुकान में जरूरत पड़ती है। भाई भैया, तो आपका फोटो क्यों नहीं है? बेटा, जो जीवन में छक्के लगाते हैं वही यहाँ नजर आते हैं। बस एक सलाह देते जी, प्लीज प्लीज, मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा। मेरा सपना मत छीनिए पापा, प्लीज। ये सपना तू क्या सपना? तुमने स्कूल में पहले क्रिकेट खेला है क्या? नहीं, बस मोहल्ले में खेलती थी। क्यों? कि तुम मारती नहीं हो, तोड़ती हो माई। मैं तुम्हें क्रिकेटर बनाने वाला हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। क्रिकेट विकेट? अरे माई, मैं कुछ करूंगा तुम्हें। ये ख्याली पुलाव है। तुम्हें पता तुम डॉक्टर क्यों बनी माई? क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे। तुम क्या बनना चाहती हो माई? तुम अपने दिल की आवाज सुनो ना, तुम क्रिकेट के लिए ही बनी हो। ये चांस क्यों ले रहे हैं? मुझे बहुत भरोसा है तुम्हारे टैलेंट पे। ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है। और है कौन मेरा? मेरा हाथ सर पे है ना बेटा, तो दाल रोटी मिल रही है। जिस दिन हाथ हट गया ना, पता तुम कहां जाओगे, क्या करोगे? जिस दिन मेरा सिखाओ प्लेयर इंडिया खेलेगा ना, या बीच में फोटो लगाओगे मेरा। कभी भी मुझे क्रिकेटर बनाना चाहते थे या सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? मेरा मौका था सबको बताने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, कि मैंने भी कुछ किया है लाइफ में। मैं क्रिकेट के लिए बनी नहीं हूँ। अगर क्रिकेट वो चीज है ना माई, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो तुम बनी हो क्रिकेट के लिए। तो जो मेन लीड में है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राजकुमार राव जी है। एंड साथ में है लीड एक्ट्रेस में जाह्नवी कपूर जी, और इसको डायरेक्ट किया है शरण शर्मा जी ने किया है, प्रोड्यूस किया है इसको करण जौहर जी ने किया है। और इसके अलावा ये जो मूवी आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, 31 मई को आ रही है। ये छोटी सी लव स्टोरी है, और एक छोटी सी लव स्टोरी का एक कपल है जिसमें बहुत सारे सपने भरे हुए हैं, जो कि आम लोगों की ज़िंदगी में होते ही हैं। जैसे कि हमारी तुम्हारी सबकी ज़िंदगी के छोटे छोटे सपने होते हैं, किसी का कुछ बनने का, किसी का कुछ बनना बनने का। बट बात ये होती है कि कोई अपने सपने को पूरा कर लेता है, बट कुछ लोग नहीं करना कर सकते। कुछ लोग पैसों की वजह से नहीं कर पाते, कुछ लोग और बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, या फिर फैमिली अलाउ नहीं करती। फैमिली जो खुद होती है वो खुद करवाना चाहती है। अगर कोई किसी फैमिली में डॉक्टर है तो वो बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बट ये ऐसा नहीं है, ये अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। बट इसके जो फादर हैं, वो लड़के के जो फादर हैं, राजकुमार राव जी के फादर हैं, वो उसको मना कर देते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक बार फेल हो जाता है तो शायद दिखाया गया ऐसा, तो वो चाहते हैं कि वो शॉप पे ही काम करे। बट अभी जाह्नवी जी का नहीं दिखाया गया
कि उसने वो प्रोफेशन क्यों चुन करा, क्योंकि जब मूवी देखेंगे तो वो सारी समझ आएगी। इस टाइम वो डॉक्टर होती है, बट दोनों का जो ड्रीम होता है। तो अभी देखते हैं कि वो जो राजकुमार राव है जाह्नवी कपूर के थ्रू अपना ड्रीम पूरा कर पाता है या नहीं पाता। इस बीच उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी होती है, और जाह्नवी कपूर को लगता है शायद उसने मेरा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, वो अपने खुद के सपने पूरे करना चाहता था इसलिए उसने मुझे यूज़ किया। बट ऐसा कुछ नहीं होता, मियाँ बीबी ने एक दूसरे के थ्रू अगर सपने पूरे होते हैं तो कौन सी बुरी बात है, मुझे तो कोई बुरी बात लगी नहीं है। बाकी एक्चुअल सच जो भी है, कितना पूरा सपना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हमें 31 मई को ही पता चलेगा। छोटी सी लव स्टोरी है, थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, बाकी देखते हैं क्या है। तो आपको सबको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा रिएक्शन कैसे लगा ये भी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में या रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।